उल्लासनगर टाइम्स कहे सच्ची बात हमेशा सच के साथ। हर साल की तरह इस साल भी विजय पाटिल ने स्वामी शांति प्रकाश आश्रम जाकर दीप जलाए और दीप जला के दिवाली मनाई। दीपावली पर्व का अर्थ ही दीपक और रोशनी से होता है। जब 14 साल बाद राम भगवान वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने खुशी के मारे उस अमावस्या की अंधेरी रात को दीपक जलाकर रोशनमय कर दिया था। उसी तरह विजय पाटिल भी हर साल यहाँ आश्रम आकर दीप जलाते हैं और उस रोशनी का प्रमाण देते हैं और उस रोशनी का अनुभव कराते हैं, एक खुशहाली का अनुभव। दिवाली पर्व एक सचमुच खुशहाली का पर्व होता है। स्वामी देव प्रकाश महाराज ने भी सबने के वादायूं वादायूं वादायूं, प्रकाश में रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, बाग बाहर रहो, सभिनि जे लाइ भॻवान राम जे अचण जूं सभिनी खे वाधायूं वाधायूं वाधायूं। बोल गुरुदेव भॻवान की जय। दो साल बाद ऐसी दिवाली आई है जिसमें कुछ भी प्रतिबंध नहीं है, लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध नहीं है। बहुत अच्छी बात है हमारे धर्म के लिए भी, जो शासन में बैठे प्रशासन में बैठे और हिंदू के लिए आज सब दिवाली मनाने का या हमारे जो भी हिंदू के त्यौहार है वो मनाने के लिए हमको पूरा छूट दिए ले है। तो हम पहला तो उनका आभार मानते शासन का, और ये दो साल के बाद में बड़े ही उत्साह से दिवाली मनाई जाती है और हर इंसान खुश है। भले ही देखिए बिजनेस तो कम ज़्यादा होते रहेगा, पर हर इंसान को ये सोच के अपना जो भी त्यौहार आता है उसको अच्छे उल्लास से मनाना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए। बिजनेस तो आपका भोलेनाथ के दया से, साईं जन के दया से ज़रूर अच्छा रहेगा, अच्छा होएगा। आयो लाल कयो झूले लाल। उसके बाद विजय पाटिल पहुंचे अमरनाथ प्राचीन शिव मंदिर की ओर, जहां पर भी उन्होंने दीपकों की दियों की व्यवस्था की थी और पूरा मंदिर का परिसर दियों से जगमगा उठा था। और प्राचीन शिव मंदिर में दिए जलाने की प्रथा विजय पाटिल हमेशा से करते आए हैं। उनकी इस बात से प्रभावित होकर कई अन्य लोग भी प्राचीन शिव मंदिर में दिवाली शाम को दिए जलाने आते हैं, जिससे प्राचीन शिव मंदिर परिसर जगमगा उठता है। बता दें दोस्तों, ग्यारह तो दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है जो अंधेरे से खाली नहीं होती, लेकिन घर घर दिए जलाना, घर घर रोशनी पहुंचाना और मंदिर परिसरों में इस तरह दीपक जलाना एक बहुत शुभ कार्य माना जाता है। लेकिन कुछ लोग इन बातों से दूर पार्टियां करते हैं, रात को घूमते हैं, लेकिन विजय पाटिल बड़े ही सादगी से मंदिरों में दिए जला के मनाते हैं, जिसमें उनका साथ उनकी धर्मपत्नी भी बखूबी देती है और उनके सुपुत्र युवराज पाटिल भी अपने युवा दोस्तों के साथ आकर मंदिर में दिए जलाकर अपनी दिवाली मनाते हैं और ये सब दिए जलाकर उन्हें खुशी का अनुभव होता है। बड़ा खूबसूरत होता है वो नज़ारा कि अमावस्या की अंधेरी रात में इस तरह दिए जल रहे हों, जान पड़ता है कि जैसे तारे ज़मीन पर उतर आए हों। इस तरह दिवाली मनाने का अनुभव ही कुछ अलग है। धन्यवाद।